तो टीचर हार्श था कि टीचर स्वीट था, टीचर बहुत गुड था या वेरी बैड था, लेकिन उस टीचर ने पढ़ाया तो आपकी मन की फाउंडेशन में उन टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा सहयोग है. इसलिए सिर्फ टीचर्स डे पे ही टीचर्स को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि अब आप अपने शहरों में वापस जब लौटे तो ढूंढिएगा अगर कोई टीचर जिंदा मिल जावे. अब जो खुद ही 70-80 में हुए पड़े उनके टीचर कहां से जिंदे होंगे. बट यू नेवर नो समटाइम्स पीपल हैव वेरी लॉन्ग लाइफ. टू सीक योर टीचर्स, टू मीट देम एंड डू से थैंक यू कि आपने जो पढ़ाया है वह आज पढ़ी हुई शिक्षा आज हमारे काम आती. जब मैं बोलती हूं तो मेरी भाषा तभी तो समझ आती है कि उस टीचर ने भाषा पढ़ाई है तुमको. उस टीचर ने आपको जो ज्ञान दिया वो ज्ञान आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए आचार्य देवो भव, हमारा शिक्षक भी एक देवता है. और जिस देश में शिक्षक का आदर नहीं होगा उस देश की संस्कृति को खत्म होने में देर नहीं लगेगी. मालूम पब्लिक स्कूल्स में सिस्टम चेंज है, बट स्टिल आई से पैर न छुए कि वो अंग्रेजी मीडियम में वो कहते पैर छूना ये क्या होता है, गुड मॉर्निंग बोलो. देन आई विल से इट रिस्पेक्टफुली. और उसकी उदाहरण आप खुद बनिए, आप माता पिता हैं, आप अपने टीचर्स का आदर करिए, आप उनका सत्कार करिए, आपके बच्चे अपने आप सीख जाएंगे कि टीचर का आदर करना चाहिए. जहां बाप जल्लाद हो और बेटा आके कहता है वो मास्टर ने मेरे को 8वीं में फेल कर दिया, बाप कहता निकाल मेरी बंदूक गोली मारता हूं उसको. ये हुआ है, वो गोली लेके चला गया, बंदूक लेके चला गया और मास्टर को गले से पकड़ लिया, कर पास इसको नहीं तो ये रही बंदूक. अब ये क्या सीखेंगे बच्चे. Parents need to be very, very humble towards their own teachers, polite, respectful. This is the active and live lesson which your children will take from you. बच्चे तुमसे सीख जाएंगे कि ऐसे आदर करना चाहिए. आज अपने शास्त्र को पढ़ना हिंदी में है तो, संस्कृत में है तो, पंजाबी में है तो, अब वाणी पढ़ते हैं तो मात्र गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ते पढ़ते ब्रज भाषा, अवधि भाषा, संस्कृति भाषा, पंजाबी की पुरानी भाषा, पंजाबी की 17वीं और 16वीं सदी से जो चल रही वो भाषा, मलवई पंजाबी, दुआबे की पंजाबी, पोखोहारी, मुल्तानी, ये सब भाषाओं में शब्द है. अब आप पढ़ते हैं तो आप मुल्तानी सीख गए, आप पोखोहारी सीख गए, ब्रज सीख गए, अवधि सीख गए, बनारसी हिंदी सीख गए, मथुरा की हिंदी अलग होती वो सीख गए, नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के हैं तो कुछ मराठी शब्द के साथ है तो पंजाबी में अनुवाद था उनका, पर आपको भाषाओं का ज्ञान होता है. कब करेंगे. तो विचार करना चाहिए इस विषय को कि हमारी ओर से जो चूक हो रही है हम उस चूक को कैसे ठीक करें, और अगर हमने ये ठीक नहीं किया तो जीवन में फिर पूर्णता कैसे आएगी. Why I am saying this? तीन कृपा हो रखी, बस चौथी तो करनी ही, बस तीन तो ऑलरेडी हो गई है. तो अपने आप से पूछो ये प्रश्न, क्या हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा. चलो मैं ही पूछती हूं तुमसे, तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा. होगा या नहीं होगा. जीवन में शांति होगी कि नहीं होगी. पूर्णता होगी कि नहीं होगी. मंगल होगा कि नहीं होगा. निश्चित होगा.
ठीक है भाई, कुछ कमी कमजोरी है, अरे थोड़ा सा क्रोधी है मन क्या हुआ, थोड़ा सा कामी है तो क्या हुआ, थोड़ा आलसी है तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब ये जो थोड़ा हिस्सा गड़बड़ है, इस गड़बड़ को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? शुक्र है ये नहीं कह दिया आपकी है। ईश्वर के लिए हमारे चित्त में कैसा कैसा भरोसा, कैसा विश्वास होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि आप कभी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते, आप कभी भी स्वयं को अकेला नहीं मानते हैं, आप कभी भी ये नहीं भाव लेके आते कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बल्कि कोई तुम्हें ये कह दे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है तो उसको ये कहो कि भाई साहब आपका क्या होगा आप जानो, हमारा सब ठीक ही है, चिंता मत करिए, आपने जो कहा आपकी बात हमने सुन ली, बट हमें हमारे हाल पे छोड़िए और आप जरा थोड़ी सी अपनी भी फिक्र कर लीजिए, हम सही राह में हैं, गुरु है, ज्ञान है, शास्त्र है, मनुष्य हैं, ईश्वर ने एक अच्छा सुंदर जन्म हमें दे रखा है, तो इसको बेड़ा पार लगाने में देर नहीं लगेगी, चिंता मत करिए आप। टेक अ क्यू, थोड़ा आप भी सत्संग सुना करो, थोड़ा आप भी सेवा को उत्सुक हुआ करो, और ये ना करिए जो गलती हम कर रहे हैं, हमारी जो गलती का हिस्सा है वो आपका भी है, पर हमारे जो और तीन हिस्से ठीक हो गए हैं या हो रहे हैं या थे ही और हम जाने नहीं, हम पहचाने नहीं, तो बस थोड़ा निश्चय में कमी ना आने देवे, ये विश्वास, ये निश्चय, ये विश्वास आ जावे तो हमारे लिए साधना करनी कितनी कितनी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, और फिर जब जिंदगी आसान होती है और चित्त जो है वो इस विषय को अच्छे से समझ लेता है तो फिर इस बात में वक्त नहीं लगेगा। किस बात में? शुभता, मंगल, स्वस्थ और शांति की घटना को घटने में फिर वक्त नहीं लगेगा। मैं कहानी पढ़ रही थी, एक लकड़हारा जंगल में जाता था, बूढ़ा था, बहुत बलवान भी नहीं था शरीर से, पेड़ से लकड़ी को काटना उसका पेशा है, पर मुश्किल होती थी, आसान नहीं था, फिर वो लकड़ी काटता, बाजार में बेचता, तो जिस राह से वो निकलता था उस राह में एक महात्मा बैठते थे, महात्मा को जैसे ही वो देखता तो उनके सामने नमस्कार करता, उनके चरण छूता और चला जाता, तो महात्मा भी देखते रहे कई दिन तलक, फिर एक दिन उन्होंने उसको कहा थोड़ा और आगे जाओ जंगल में, आगे जा, बस इतना ही कहा, महात्मा ने आंख बंद कर ली, तो कड़हारा सोचता है ये क्या बोला मुझे आगे जा। अगले दिन सुबह फिर आया जंगल में तो देखता है लकड़ियां कहां से काटूं, किस पेड़ से शुरू करूं, काटनी शुरू करी और महात्मा की वो बात याद आई, महात्मा ने कहा था आगे जा, तो चलो आगे आ जाता हूं, कभी नहीं गया था, तो उसने जाना शुरू किया, चलते 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 कोई दो एक मील अंदर तक निकल गया और क्या देखता है आगे उसको चंदन के वृक्षों का पूरा जंगल था, कहां वो साधारण लकड़ी काटता था जो जलाने के काम आए और यहां तो पूरा चंदन के वृक्ष लगे हुए, अब इतनी महंगी लकड़ी, पाछे खिल गई, क्या महात्मा ने बात कही मुझे, पेड़ काटे उसने, लकड़ी
बनाई गट्ठड़ लेके गया। अब साधारण लकड़ी तो है नहीं कि ऐसी वो बेच दे, तो उस वहाँ के जो अमीर लोग थे उनके मकानों और दुकानों की तरफ उसने रुख किया और पूछा, भाई चंदन की लकड़ी है लेंगे? बोले, अरे वाह चंदन की लकड़ी तो बड़े महंगे दामों में उसने अपनी हाथों हाथ लकड़ी बिक गई। और सब पूछे और अड़ोसी पड़ोसी आ गए और दुकानदार आ गए, अरे हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, ले हाँ ले आऊंगा मैं, आज तो इतने सारे पैसे हो गए। अगले दिन गया और लकड़ी काटी बेची, बहुत पैसा आ गया। फिर चंदन के वृक्ष के पास बैठे बैठे विचार आया, महात्मा ने कहा था आगे जा और आगे जा, इसके आगे जाके देखो। गया गया तो चांदी की खान मिल गई। अरे मैं कहां पेड़ काटने के चक्कर में पड़ा था, एक ही बार में इतना बड़ा चांदी का टुकड़ा उसको मिल जावे, लावे बाजार में बेचे तो इतना धन हो गया, इतना धन हो गया। पर मन में फिर वही बात याद आई, और आगे जा। फिर और आगे गया, आगे उसको हीरे मिल गए। तो महात्मा ने क्या बोला, आगे जा। उन्हें ये नहीं कहा था कि आगे क्या होगा, बस ये कहा आगे जा। और वो गया। अब सोचिए, महात्मा की बात सुनता नहीं तो आगे जाता नहीं, आगे जाता नहीं न चंदन के वृक्ष मिलते, न चांदी की खान मिलती, न सोने की खान मिलती, न हीरे मिलते। तो महात्मा के सिर्फ तीन शब्द, आगे जा और आगे जा, ये तीन शब्द ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। तो महात्मा जब कुछ कहते हैं तो उनके तीन शब्दों से उस लकड़हारे की जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अर्थात जब महात्मा के कहे उपदेश के शब्दों को आप अपने जीवन में लाएंगे, आगे जा और आगे जा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, इसी रोज़ो शब में उलझ के न रह जा, कि तेरे जमानों मकान और भी है, इसी रोज़ो शब में उलझ के ना रह जा, तेरे जमानों मकान और भी है। जितना तुम सुन रहे हो, जितना तुम जान रहे हो, जितना तुम्हें मिला है, ये इतना ही तो नहीं है। महात्मा के पास जो कुछ है वो बहुत आगे तक तुम्हें ले जा सकता है। खाली इतने में रुक के मत रह जाना। गुरु कहे ध्यान कर तो कर, और उसमें और आगे जा, माने और गहरे उतरो। महात्मा कहे स्वाध्याय कर तो कर। हम आपको क्या बताएं, हम तो देखिए शास्त्रों में खेले हैं, शास्त्रों के संग ही खेले हैं,
लोग बचपन में पढ़ते हैं मैगजीन, अखबार, फिल्म, ऐसे मैगजीन. हम तो ग्रंथ ही पढ़े. आठवीं में थी जब विचार सागर पढ़ा था. एट्थ वेदांत का भाषा में सबसे कठिन ग्रंथ इसको माना जाता है. तो ये आठवीं जमात में पढ़ा था. दसवीं में थे तो लगभग तब भगवद गीता को पहली बार हाथ में पकड़ा और समझा था. और आज 52 की उम्र में भी जब गीता पकड़ती हूँ तो पढ़ती हूँ तो लगता है अरे ये क्या बात है.